नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सड़क पर वाहन खड़े करने से परेशानी, दुकानों में भी घरेलू सिलेंडरों का उपयोग, नालों में गंदगी के लिए जिम्मेदार कौन? आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार में। सड़क पर वाहन खड़े करने से परेशानी। नागपुर सदर मंगलवारी रोड संकरी होने के कारण यहां रोजाना जाम की स्थिति बन जाती है। संकरी सड़क पर ही लोग वाहन पार्क कर देते हैं, कार्रवाई नहीं होने के कारण लोग बेखौफ रहते हैं और वही वाहन पार्क करके चले जाते हैं, जिससे अन्य आवाजाही वाले वाहन चालकों को परेशानी होती है। तो वही दूसरी ओर दुकानों में भी घरेलू सिलेंडरों का उपयोग। नागपुर शहर में खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानदार अभी भी गैस सिलेंडर उपयोग नहीं कर रहे हैं। वे कार्रवाई से बचने के लिए घरेलू लाल सिलेंडर छुपाने का प्रयास करते हैं। कई जगहों पर खुलेआम इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। कार्रवाई नहीं होने से इनके हौसले और बुलंद होते जा रहे हैं, पर संबंधित विभाग अब भी कुंभकर्णी नींद में है। तो वही तीसरी ओर नाले में गंदगी के लिए जिम्मेदार कौन? तालाबों और नालों की सफाई को लेकर मनपा प्रशासन अब भी नींद में है। समय पर साफ सफाई नहीं होने के कारण बारिश के समय तालाब और नाले भर जाते हैं, लेकिन फिर भी इसकी सफाई नहीं हो रही है। गिट्टी खदान के नाले की भी कई दिनों से सफाई नहीं की गई। परिसर के लोग नाले में कचरा फेंक देते हैं। फैक्ट्री का गंदा पानी भी इसी नाले में बहता है, जिससे बदबू फैल रही है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।